वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूर चैनल इजी नोट्स देखो मैं ऑलरेडी आई थिंक हंड्रेड एम सी के उसका वीडियोज़ पोस्ट कर चुकी हूँ पूरी चार यूनिट्स के नोट्स डालना एंड देन वीडियो डालना मेरे लिए थोड़ा सा टफ है तो इफ़ यू विल कॉपरेट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एटलीस्ट चारों नहीं तो कम से कम दो यूनिट्स के नोट्स में डाल दूँ एंड आप उसे पढ़ लो एंड जो प्लस पॉइंट यहाँ पर है वो ये है कि यूनिट वन में एक टॉपिक है बिज़नेस मतलब बिज़नेस के बारे में सब कुछ नीचे उसको फ़ीचर वगैरह वो सेमेस्टर वन का है और उससे उतना खास एम शायद ही आए जो आएंगे वो इन्वामेंट environment और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से आएंगे यूनिट वन से ठीक है यूनिट टू में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बहुत मतलब कॉमन सेंसिकल टॉपिक्स हैं लाइक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के बीच के क्या लिंकेजेस हैं एंड हाउ दे वर्क ये सब कुछ है ठीक है तो बहुत सिंपल सी यूनिट टू है ठीक है उससे भी इतना वेटेज नहीं बनेगा देन हमारे पास यूनिट थ्री है तो यूनिट थ्री में हमारे पास तीन चीज़ें हैं नेशनल इनकम इन्फ्लेशन और एल जिसे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोलते हैं लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाला जो है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं यूनिट थ्री डिलीवर कर पाऊँ क्योंकि वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है लेकिन यूनिट थ्री में नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन मैं ऑलरेडी मैनेजरल इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी चुकी हूँ उनके एम भी दे चुकी हूँ तो आप नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैनेजरल इकोनॉमिक्स की यूनिट यूनिट फोर में है नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन दोनों तो वहाँ से एक बार ही उसको पढ़ लेना दोनों ही टॉपिक अच्छे हैं एंड हो सकता है क्वेश्चन आएँ देन जब यूनिट फोर की बात करेंगे तो यूनिट फोर में हमारे पास इंटर uh, रिलेशनशिप है बिटवीन पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट ऐसा कुछ करके एक टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी ट्राई मैं अपना लेवल बेस्ट दूंगी कि थ्री और फोर यूनिट का नोट्स और वीडियो में डाल पाऊँ एटलीस्ट लेट नाइट तक एंड देन उसके बाद यूनिट फोर में मोनीटरी और फ़िज़िकल पॉलिसी है सॉरी फिजिकल पॉलिसी है और दोनों ही के नोट्स मैनेजरल इकोनॉमिक्स के यूनिट फोर में मैं आपको दे चुकी हूँ तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैनेजरल इकोनॉमिक्स के यूनिट फोर से आपको नेशनल इनकम पढ़ना है इनफ्लेशन पढ़ना है फिजिकल पॉलिसी पढ़ना है और मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ना है इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं बाकी बचता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी uh, और इंटरनेशनल बिजनेस और वर्ल्ड रिटेड ऑर्गेनाइजेशन तीन टॉपिक बचते हैं यूनिट फोर में तो वो अपना बेस्ट मैं ट्राई करूँगी मैं आपको समझा सकूँ बाकी मैं एम आपको हंड्रेड दे चुकी हूँ एंड अराउंड टू हंड्रेड अराउंड समथिंग मैं और देने वाली हूँ इस वीडियो में सो प्लीज़ लिसन टू द वीडियो वेरी केयरफुली एंड कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़े थोड़े क्लियर होते जाएंगे ठीक है सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेन वॉज द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ था और जो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान था वो होते 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 2012 में स्टार्ट हुआ था ठीक है एक क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था कि पूछा था कि ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान किस ईयर में शुरू हुआ था तो अगर आपको फर्स्ट फाइव ईयर प्लान याद है तो ट्वेल्थ आपको याद अपने आप ही काउंट करके आ जाएगा ठीक है तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था डैश आइडेंटिफाइज दी अर्ली सिग्नल्स ऑफ पॉसिबल इन्वायमेंट चेंजेस पॉसिबल इन्वायरमेंट चेंजेस के अर्ली सिम्टम्स या फिर अर्ली सिग्नल्स क्या दिखाता है स्कैनिंग क्यों क्योंकि जब हम जो है इन्वायरमेंटल uh, स्कैनिंग करते हैं चाहे लीगल इन्वायरमेंट की चाहे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की तो हम क्या देखते हैं कि आगे नियर फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं इसलिए तो हम स्कैन करते हैं स्कैन करने का क्या मतलब होता है स्टडी करना अनालइज़ करना ठीक है तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक टर्म है जो कि यूज़ करते हैं ठीक है हम इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए देन द इन्वामेंटल फैक्टर दैट इंक्लूड्स पीपल एटीट्यूड टू फैमिली रिलिजन एक्सेट्रा इज़ बट ऑबियसली इट इज़ सोशियो कल्चर ठीक है कल्चरल नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पे फैमिली की भी बात की गई है, है रिलीजन की भी बात की गई है और पीपल की भी बात की गई है इसलिए सोशियो कल्चरल ठीक है अगर सोशियो कल्चरल ना लिखा होता ऑप्शन में तो कल्चरल आप टिक करते बट सोशियो कल्चरल लिखा है इसलिए वो सोशियो कल्चरल सही है ज़्यादा सूटेबल है दंडाश इज़ कंसर्नड विथ डेवलपिंग प्रोजेक्शन ऑफ डायरेक्शन स्कोप स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज इट इज मॉनीटरिंग क्यों आप मॉनीटर करोगे तभी तो स्कोप स्पीड इंटेंसिटी और डायरेक्शन सब प्रोजेक्ट कर पाओगे ठीक है तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इज कंसर्न विथ डेवलपिंग प्रोजेक्शन ऑफ डायरेक्शन स्कोप स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ इन्वायरमेंटल ओके अगेन शी इज हेयर हर वीडियो में आपको इसकी कॉल मिल जाएगी लेट मी रिकॉर्ड द वीडियो गर्ल फॉर द सोसाइटी रिलीजन हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन रिलीजन का किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस नहीं होता है इन्होंने लिखा है लैंग्वेज हाँ ये ठीक है रिलीजन का लैंग्वेज पे कोई ख़ास इन्फ्लुएंस नहीं होता है हाँ क्योंकि लैंग्वेज को लेकर इतना क्योंकि हॉलीडे रिलीजन वाइज होते हैं ठीक है रोल ऑफ वुमेन का भी रिलीजन वाइज डिफरेंस हो जाता है मार्केटिंग प्रैक्टिसज भी डिफरेंट हो जाती हैं भाई अलग सेगमेंट अलग रिलिजन अलग सोसाइटी अकॉर्डिंग अलग अलग मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं तो बचता क्या है लैंग्वेज सोशल स्टिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन कास्ट इनकम लेवल एग्जैक्टली सब देखा जाता है इनकम के हिसाब से मिडिल क्लास अपर क्लास लोअर कास्ट कास्ट के हिसाब से अपर कास्ट लोअर कास्ट शेड्यूल कास्ट ट्राइब कास्ट सब कुछ डिवाइडेड है एजुकेशन के हिसाब से भी सेम चीज़ें चलती हैं ठीक है ऑल ऑफ अब दी अब द फॉलोविंग फैक्टर्स आर की ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के की ड्राइवर्स क्या क्या हैं मार्केट कॉस्ट कॉम्पटिशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑप्शन नंबर डी बाकी क्यों नहीं है क्योंकि बाकी में देखो पहले वाले में सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स लिख दिया है तो ये नहीं है इसे हटा दो इस वजह से ऑप्शन ए कट गया दूसरे वाले में आपको लिख दिया गया है कॉस्ट एडवा मार्केट कन्वर्जेंस कॉस्ट एडवांटेज इसलिए ये हटा दो तीसरे वाले में भी सेम चीज़ है आपको गवर्नमेंट एक्शन कॉस्ट एडवांटेजेस वगैरह लिख दिए गए हैं तो ये की ड्राइवर्स नहीं है जो मेन की ड्राइवर है वो है मार्केट ठीक है कहाँ कितनी मार्केट है कितना स्कोप प्लेटफॉर्म है कॉस्ट कंपटीशन और गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस कंट्री में क्या कितनी है और कहीं लिबरल है कहीं बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन का स्कोप इतना ज़्यादा है तो ऑप्शन डी इज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफर्स टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन रेस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट एक्सपोर्ट का कंट्रोल कर रहे हैं आप तो जो भी आइटम्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उन पे रेस्ट्रिक्शंस को एक्सपोर्ट कंट्रोल कहते हैं ऑप्शन बी इज़ द आंसर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंशियल फीचर ऑफ सोशल इन्वामेंट सोशल इन्वामेंट का अजेंशियल फीचर कॉम्पिटिटिवनेस बट ऑबियसली है कॉम्पिटिशन होता है रिलीजन के बीच में कास्ट के बीच में क्लास को लेकर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट हाँ बट ऑबली ये भी एक बहुत अच्छा खासा एजेंशियल फीचर है बेटर क्वालिटी ऑफ़ लाइफ हाँ हर कोई इसी के लिए जी रहा है मर रहा है और बाकी चीज़ें कर रहा है तो लास्ट ऑप्शन डी बचता है एक्सेप्शन इसलिए वो है आंसर टेक्नोलॉजिकल इन्वामेंट एक्स कंसिस्ट ऑफ क्या क्या कंसिस्ट करता है बट ऑब्वियसली अगर इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज या साइंटिफिक नॉलेज नहीं लिखा है तो कुछ तो लिखा ही होगा हाँ क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन चलो तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर क्योंकि प्रूफ्स कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ये लॉ वगैरह करते हैं ये टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात नहीं है ये फाइंडिंग फैक्ट्स ये भी टेक्नोलॉजी की बात नहीं है टेक्नोलॉजी का मतलब फैक्ट फाइंड करना नहीं होता मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नो ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन नॉलेज क्रिएट करना और उसकी ज़रूरत क्रिएट करना ठीक है देन वी हैव डैश इन्वायमेंट रिफर्स टू ऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव अ अबियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जिनकी बिजनेस फंक्शनिंग में एक मतलब रोल प्ले होती है वो कौन सा है डिफाइन करता है वो होता है इकोनॉमिक इन्वामेंट क्यों क्योंकि यहाँ पे कौन से फैक्टर्स की बात की गई तो है इकोनॉमिक फैक्टर्स तो इकोनॉमिक फैक्टर्स कहाँ होंगे इकोनॉमिक इन्वामेंट में ठीक है देन फ्री ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है कंपेरेटिव एडवांटेज पे ठीक क्यों क्योंकि भाई देखो आप फ्री ट्रेड दे रहे हो बाकी कंट्रीज़ फ्री ट्रेड थोड़ी देंगी तो वहाँ पे आपको एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा जब एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स कंपेयर करेंगे तो वो आपको चूज़ करेंगे ऐसे चांसेस बढ़ जाएंगे ठीक है देन स्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड आई एफ आई एम एफ बोलते हैं इसे आई एम एफ़ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज गिवन ड्यूरिंग नाइनटीन फिफ्टी सिक्स रिगार्डिंग सेकेंड फाइव ईयर प्लान क्यों दिया गया था सेकेंड फाइव ईयर प्लान इसमें लिखा हुआ है लीगल प्लानिंग आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर बट प्लीज़ डू गूगल आउट दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम लिटल बिट कन्फ्यूज इन एग्रीकल्चरल एंड लीगल प्लानिंग ठीक है सो प्लीज़ डू गूगल इट आउट दैन नेक्स्ट दिंग रिस्क इन द होस्ट कंट्री डज नॉट इंक्लूड द रिस्क ऑफ होस्ट कंट्री जैसे मान लो कोई एम या फिर कोई इंटरनेशनल बिजनेस है वो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में रन करता है ठीक है तो होस्ट कंट्री वो है जहाँ से वो वो बिजनेस पैदा हुआ है शुरू हुआ है exactly, एक्जैक्टली ठीक है ओरिजिनेट हुआ है तो जो ऑपरेटिंग रिस्क होस्ट कंट्री में होता है वो इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करता है गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज भाई बिल्कुल करता है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी होस्ट कंट्री में भी चेंज हो सकती है एक्सचेंज कंट्रोल बिल्कुल ये इंक्लूड करता है प्राइस कंट्रोल बिल्कुल इंक्लूड करता है क्या इंक्लूड नहीं करता है? वो है सैंक्शन क्योंकि जिस होस्ट कंट्री में आप हैं और अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस है तो आपको सैंक्शंस मिलने में इतना कोई रिस्क या फिर इतना कोई इशू नहीं होगा सॉरी द लीगल सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इट इज़ बेस्ड ऑन हिंदू लॉ लिखा है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिट बट हाँ आपके में सिविक्स है भी नहीं तो ये क्वेश्चन भी आपके कोर्स uh, का है नहीं ठीक है देन दी ऑब्जेक्टिवस ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इज़ इम्पोर्ट ड्यूटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मतलब जो चीज़ें जो माल इम्पोर्ट हो रहा है उस पर टैक्स लगाना टेरिफ्स लगाना उसका ऑब्जेक्टिव क्या पर्पज़ क्या होता है उसका पर्पज़ होता है इनकम को रेज करना और इम्पोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करना अगर इम्पोर्ट पर टैक्सेशन हाई लगाया जाएगा तो ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स कोशिश करेंगे कि हम अपनी ही कंट्री में किसी इनोवेटिव तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाने का एक मेथड निकाल पाएं ताकि इम्पोर्ट पे जितना टैक्स लग रहा है वो खर्चा हमारा बच जाए ठीक है तो इसीलिए इनकम बढ़ाने के लिए और इम्पोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं ठीक है द फॉलोविंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इनमें से ग्लोबलाइजेशन का फीचर कौन सा नहीं है सिमिलर स्ट्राटजीज आर अडॉप्टेड बाय अ फर्म इन ऑल मार्केट्स ये ग्लोबलाइजेशन का फीचर नहीं है क्योंकि एम एन सीज इंटरनेशनल कंपनीज़ ये सब जो ब्रांड्स होती हैं सब सिमिलर स्ट्राटजीज अपनाएँ ऐसा नहीं होता है बाकी इंटरनेशनल बिज़नेस में इंगेज होती हैं ये भी एक फ़ीचर है कन्वर्जेंस ऑफ आइडिया एंड कल्चर ये भी बट ऑबियसली एक फ़ीचर है आइडिया और कल्चर तो एक्सचेंज होते ही होते हैं एंड नेशनल बाउंड्रीज़ को ऑब्लीगेट करके बाकी जगह भी जाके बिजनेस करना ये तो फीचर है ही ग्लोबलाइजेशन का तो बचता क्या है ऑप्शन ए दैन वी हैव डब्ल्यू टी ओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट इट एम्स एट लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है रेस्ट्रिक्ट तो करना बिल्कुल काम नहीं है उनका काम है मैनेज करना ठीक है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना अगर वो दोनों ही आपके ऑप्शंस में नहीं लिखे हैं तो तीसरा बेस्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सूटेबल है वो है लिबरलाइजेशन लिबरला लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड इट कीप्स ऑन कमिंग बिकॉज एम नॉट ऑन माई प्लेस ओके विच ऑफ द फॉल इज नॉट अ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जनरेटेड बाय ग्लोबलाइजेशन इनमें से कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्लोबलाइजेशन जनरेट नहीं करता है बट ऑबियसली करेंसी की क्राइसिस ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है क्राइसिस नहीं बढ़ती है ठीक है तो ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर क्योंकि नॉट का क्वेश्चन है देन वर्ल्ड बैंक हैज़ क्लियर अ लोन टू एड विच इंडियन मिशन इस इंडियन मिशन को हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक लोन चुका दिया है वो मिशन है स्किल इंडिया स्किल इंडिया जो मिशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है जो पसंद करता हो या ना करता हो ऑनरेबल लगाना एक ही फंडामेंटल ह्यूमन ड्यूटी है ठीक है तो उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए या इनक्रेज करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का पब्लिक कुछ हद तक का पुछ एक पर्टिकुलर पब्लिक डेट वर्ल्ड बैंक ने क्लियर कर दिया है मतलब पे डाउन कर दिया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग इंस्टीट्यूशन के नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मोनिटरी सिस्टम इनमें से कौन सा ऐसा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट वर्ल्ड बैंक भी आईएमएफ आईएमएफ भी और डब्ल्यूटीओ भी ये सब कुछ ये सब कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मोनिटरी सिस्टम में इंक्लूडेड है क्योंकि ये सब कुछ ट्रेड परपजेस के लिए ग्लोबलाइजेशन को इंक्रेज करने के लिए हैं बट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इस सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है देन गोल्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इंक्लूड वर्ल्ड बैंक का गोल क्या है प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट येस ऑफकोर्स प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफकोर्स क्योंकि ये डब्ल्यू टी ओ के हिसाब से काम कर रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन बट ओबियसली ठीक है तो इसलिए ऑल ऑफ दिस विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इनमें से कौन सा मेम इनमें इन से कौन सा इंसान मेंबर नहीं है बट ऑबियसली इंटरनेशनली इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ़ एक अलग से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है इसलिए वर्ल्ड बैंक का ग्रुप नहीं है दैन नेक्स्ट द वर्ल्ड बैंक अ रिकोगनाइज मेंबर ऑफ इट इज़ अ रिकोगगनाइज मेम्बर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल ग्रुप ठीक है यू का जो डेवलपमेंट ग्रुप है उसका एक रिकोगनाइज मेंबर वर्ल्ड बैंक भी है क्योंकि यह ग्लोबलाइजेशन को बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से एड करता है प्रमोट करता है और इनक्रेज करता है नेक्स्ट सेट पे बढ़ेंगे सेट नंबर सिक्स आई थिंक यस ठीक है वन ऑफ़ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ फाइव ईयर प्लान इज़ रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज ऑफ डैश वेल्थ एंड इनकम बट ओबियसली ऑफ इंक्रीज वेल्थ एंड इनकम हम कह सकते क्यों क्योंकि भाई देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ अच्छी खासी अब हो गई है पहले के टाइम में जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो कितने गरीब थे है ना काफ़ी ज़्यादा लेवल की पॉवर्टी थी अभी भी पूरे तरीके से एलिवेट नहीं हुई है बट कुछ हद तक हुई है लेकिन अब क्या हो गया कि रिच रिचर हो गए हैं पुअर पुअर हो गए तो फाइव ईयर प्लान्स जो लॉन्ग टर्म के फाइव ईयर प्लान्स जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये जो इनकम और वेल्थ की इनक्वालिटी फैली पड़ी है उसको रिड्यूस करना ठीक है देन हमारे पास है वर्ल्ड बैंक वॉज फॉर्म्ड इन अगेन द सेम क्वेश्चन अगर आपको नाइनटीन फोर्टी फाइव ईयर याद है तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है अभी लास्ट सेट में मैंने ये क्वेश्चन कराया था उसमें मंथ नहीं दिया था सिर्फ ईयर दिए थे तो मे नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव वॉज द टाइम वैन वर्ल्ड बैंक फाउंडेड पॉपुलेशन आपके में नहीं है ठीक है विच प्लान गिव्स प्रयोरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग में कौन सा स्टेट पॉलिसी बट इट इज़ नॉट इन योर कोर्स गवर्नमेंट्स पॉलिसी टूवर्ड्स इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया है डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन था यहाँ पे भी है ठीक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी यूनिट थ्री में है ही यही इंडस्ट्रियल पॉलिसी नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन नेशनल इनकम इन्फ्लेशन ऑलरेडी मैं आपको मैनेजरल इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुकी हूँ नोट्स भी दे चुकी हूँ और बचता है एल पी जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से हम बोलते हैं उसके नोट्स में ट्राई करूंगी कि आपको लेट नाइट तक ज़रूर मिल जाए ठीक है अदरवाइज़ अर्ली मॉर्निंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज सेटअप इन द ईयर किस ईयर में सेटअप हुई थी अगेन द सेम थिंग इट वॉज सेटअप इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ओके हाँ हाँ दे आर कॉलिंग इट इन दाँ फिफ्थ ईयर प्लान के अकॉर्डिंग ठीक है ठीक है फिफ्थ ईयर प्लान के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में सेट हुई थी ठीक है और जो एल पी जी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी नाइनटीन नाइन्टी वन की अगर इसमें नाइनटीन नाइन्टी वन दिया होता है तो आप उसको क्लिक करते है. ठीक है बट उसने नाइनटीन फिफ्टी सिक्स दिया है तो फिफ्थ ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने का जो प्लान था वो लागू किया गया था तो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स विल बी दी आंसर अकॉर्डिंग टू फिफ्थ फाइव ईयर प्लानिंग वाला जो सिस्टम है ठीक है डैश टेक्नोलॉजी सेवस टाइम कौन सी टेक्नोलॉजी टाइम सेव करती है बट ऑबियसली लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी सॉरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग जितना ज़्यादा कैपिटल हैवी कैपिटल मतलब उतनी हैवी मशीनरीज उतना ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी एंड उतना ही टाइम सेविंग प्रोडक्शन ठीक है डैश टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू गेन मोर प्रॉफिट वी कान से कौन सी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम कह नहीं सकते डिपेंड करता है प्रोडक्शन क्या है उसकी प्राइजिंग क्या है फम uh, प्रोड्यूस क्या कर रही है कौन सी मार्केट में प्रोड्यूस कर रही है ओलिगोपोली है डुओपोली है मोनोपोली है, है क्या है मोनोपोलिस्टिक है डिपेंड करता है तो ये हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली ठीक है डैश टेक्नोलॉजी हैविंग लेस चांस ऑफ एरर कौन सी टेक्नोलॉजी में एरर के कम चांसेस चांसिस बट ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव क्योंकि वो बेसिकली मशीनरी फोकस्ड होती है तो मशीन तो गलतियाँ नहीं करती ना है ना डैश टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स मोर ह्यूमन एफर्ट्स बट ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव लेबर का मतलब ही जो मेंटल एंड फ़िजिकल एफर्ट्स तो बट ऑबली ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट्स लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में लगते हैं स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ पीपल आई थिंक आपके पॉपुलेशन टॉपिक्स हैं कि आपके में नहीं है ठीक है इन सम सर्कल्स अ मल्टी नेशनल कॉपोरेशन इज रिफर्ड टू एज मल्टी नेशनल एंटरप्राइज अगर यहाँ पे मल्टी नेशनल कंपनी लिखा होता तो भी आप उसको स्टिक करते बट यहाँ पे एंटरप्राइज लिखा है तो आप उसको एंटरप्राइज ही मानेंगे ठीक है देन ऑप्शन सी इज़ विल बी द करेक्ट आंसर फिर हमारे पास है आई एम एफ अगेन द सेम थिंग इंटरनेशनल फंड ठीक है एम की फुल फॉर्म है मल्टी नेशनल कॉपोरेशन इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज यहाँ पे आपको देखो अब ध्यान दो यहाँ पे आपको ना ही मल्टी नेशनल कंपनी लिख के दिया है ना ही मल्टी नेशनल इंटरप्राइज लिख के दिया है किसी भी ऑप्शन में तो आपका जो आंसर करेक्ट है वो है ट्रांजैक्शनल कॉरपोरेशन ठीक है तो तीन नाम हो गए मल्टी नेशनल के अभी तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मल्टी नेशनल कॉपोरेशन मल्टी नेशनल एंटरप्राइज मल्टी नेशनल कंपनी ट्रांजेक्शनल कॉरपोरेशन ठीक है द नेक्स्ट फेरा इज अ फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फॉर बट ऑब्वियसली फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फॉर इंडस्ट्रीज फेरा का जो एक्ट बनाया गया है वो इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फॉरन एक्सचेंज कितना हो रहा है कितना नहीं उसको रेगुलेट करने के लिए ठीक है गुजरात इज ड्राई स्टेट वट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम स्टेटमेंट टैबो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टेस्ट एंड या आई डोंट थिंक सो आपके में है बट अगर आप किसी भी फॉर uh, एग्जांपल मैं समझा दूं आपको कि बट अगर आप किसी भी चीज़ की बुराई कर रहे हैं या uh, कुछ भी ऐसा मतलब प्री uh, जजमेंट या फिर एक प्री माइंड सेट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पर्सन या किसी पर्टिकुलर रिलिजन कास्ट के लिए सेट कर रहे हैं तो वो टैबो ही मानते हैं सोसाइटी में क्योंकि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को हिंडल करता है इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर द नेक्स्ट जी इज़ बट ऑबली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पी एस यू इज़ पब्लिक सेक्टर यूनिट बट इसमें आपको पब्लिक नहीं लिखा है तो प्राइवेट सेक्टर यूनिट ठीक है बस याद रखना कि सेक्टर और यूनिट पब्लिक भी हो सकता है प्राइवेट भी हो सकता है जो ऑप्शन में दिया हो वो आप टिक कर दीजिएगा ठीक है देन वट इज़ द मेन रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का मेन रोल क्या है कंट्रीज़ को डेवलपमेंट में असिस्ट करना ठीक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी करना इसका रोल नहीं है इसलिए ऑप्शन भी कट गया और ऑप्शन बी कट गया तो ऑप्शन डी भी कट गया ठीक है क्योंकि ऑल ऑफ़ दी अब तो हो नहीं सकता फिर तो टू बी अ फोरम फॉर ट्रेड लिबरेशन ये नहीं है ये तो डब्ल्यू टी ओ का काम है तो ऑप्शन ए भी कट गया बचता क्या है ऑप्शन नंबर सी टू असिस्ट कंट्रीज इन डेवलपमेंट देन हु गेव अ प्रैक्टिकल शेप टू प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन को प्रैक्टिकल शेप देने वाले थे मार्गरेट थैचर मार्गरेट थैचर ठीक है इनका नाम काफ़ी सुनने को मिल जाएगा अगर आप आगे बिजनेस uh, इन्वामेंट की या फिर मैनेजर इकोनॉमिक्स की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे ठीक है देन विच ऑफ़ द विच वन ऑफ़ द फॉर लिविंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है वैसे आपके में फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंस वगैरह है नहीं तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आराम से इग्नोर कर सकते हो ठीक है विच ऑफ द फॉर लिविंग इज मनी मार्केट ये भी नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी नो 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 सेकेंडरी भी नहीं है आपके में ओके okay. हाँ सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ से बी किसी कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है ठीक है वी विल मूव टू द सेट नंबर सेवन सेट नंबर सेवन में हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग बेसिक क्राइटेरियाज कैन बिजनेस इन्वामेंट भी डिवाइडेड ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इंटरनल एक्सटर्नल ये पिछले वीडियो का पहला क्वेश्चन था चलो ठीक है कोई बात नहीं डैश इज अटेटमेंट विच डेराइव द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन अ सोसाइटी Uh, sorry but these questions are repeated i'm so sorry i didn't see it before okay okay just wait a second we'll go to set number 8 we'll see okay set number 8 may ha this these questions are different okay the sixth plan mentions 17 criteria for determining the prevalence of dash जो सिक्स फाइव ईयर प्लान है हमारा जो हमारा प्लानिंग कमीशन बनाता है बनाता आया है आज़ादी के बाद से तो उसमें जो सिक्स फाइव ईयर प्लान है वो किसकी की प्रेवलेंस को डिटरमाइन करने के सत्रह क्राइटेरिया बताता है वो है बैकवर्डनेस, कि मतलब अगर कोई भी जगह या कोई भी फैक्टर जो सत्रह ऐसे फैक्टर्स हैं अगर वो फुलफ़िल हो रहे हैं तो हम मानेंगे कि बैकवर्डनेस प्रिवेल कर रही है मतलब बैकवर्डनेस है ठीक है तो बैकवर्डनेस को डिफाइन करने के सत्रह क्राइटेरिया सिक्स प्लान में बताए गए हैं देन फिजिकल पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बजटरी पॉलिसी रट के रखो इसको ठीक है वन कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर डिटरमाइंस द डैश ऑफ पीपल इट डिटरमाइंस द एथिक्स ऑफ पीपल एथिक्स को अगर ऑप्शन में एथॉस भी लिख कर आएगा तो एथॉस भी राइट right आंसर होगा बिकॉज एथिक्स का ग्रीक वर्ड है एथॉस ठीक है then self-fulfillment and immediate gratification are dash cultural values these are rises. my rises for but uh, I'll prefer corporate this question is repetitive leave this okay national stock exchange was set up as joint stock company by all Indian financial institutions and banks on November 27 1992 which can be a method of uh, privatization दी नेशनलाइजेशन रिपिटेटिव क्वेश्चन है रिपिटेटिव क्वेश्चन है रिपिटेटिव क्वेश्चन है सिविक्स आपके में है नहीं डैश ऑक्युपाइज सेंट्रल प्लेस इन बिजनेस हाँ डैश ऑक्युपाइज सेंट्रल प्लेस इन बिजनेस इट इज रॉ मटीरियल बट ऑबियसली भाई रॉ मटीरियल है उनकी सेंट्रल प्लेस होती है बिजनेस में जब आपके पास देने को सर्विस या प्रोड्यूस करने को गुड्स ही नहीं होंगे तो आप बिज़नेस करोगे कैसे पैसा तो तब लगाओगे ना जब आपके पास देने के लिए सर्विस या प्रोड्यूस करने के लिए कोई गुड्स हो ठीक है ऊपर के क्वेश्चन स्किप किए क्योंकि वो रिपिटेटिव हैं लास्ट के वीडियो में मैं वो क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ ठीक है दैन नेक्स्ट इंडिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर मिक्सड इकोनॉमी इंडिया एक मिक्सड इकोनॉमी है ठीक है देन उसके बाद यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ सोशलिस्ट इकॉनॉमी क्या होती है सोशलिस्ट इकॉनॉमी वो होती है जहाँ पर सारी जितनी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए खुद ही कंट्रोल और खुद ही हैंडल और ख़ुद ही रेगुलेट करती है मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेस साथ मिलकर काम कर रही होती हैं कैपिटलिस्ट इकॉनॉमी वो होती है जहाँ पे कंप्लीटली प्राइवेट एंटरप्राइजेस का ही रूल रेगुलेशन और गवर्नेंस चल रहा होता है ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे बिजनेस इंक्लूड्स बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बट ओबियसली ठीक है वट इज़ द सिंगल वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब टूडेज बिजनेस इट इज चेंज डेफिनेटिव क्वेश्चन है वेलिड रिपीटेटिव क्वेश्चन है इन स्टडीज बिजनेस नॉट बाई डिफिकेशन इज़ टुडेज बिजनेस नॉट कैटेगराइज बाई डाइवर्सिफिकेशन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है अगर आंसर इसका प्रॉफिट है तो क्वेश्चन में होना चाहिए इफ़ टुडेज़ बिजनेस इज़ नॉट कैटेगराइज बाई डाइवर्सिफिकेशन देन वॉट चलो ठीक है ठीक है अगर आज का बिज़नेस डाइवर्सिफ़िकेशन से कैरेक्टराइज नहीं करोगे तो किस करोगे तो प्रॉफिट मेकिंग या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव से क्लासीफाई कर सकते हो ठीक है देन इज़ इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस इज़ कॉमन इन एवरी कंट्री नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइनटीन के टाइम में ऐसा था कि बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में या फिर बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट हर कंट्री में कॉमन था उसके बाद इंडिया को देखते हुए इंडिया की डेवलपमेंट को देखते हुए इंडिया के इंक्रीजिंग डेवलपमेंट पेस को देखते हुए डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो बढ़ने लगा धीरे धीरे करके ठीक है वियतनाम वगैरह जो हैं इन्होंने इंडिपेंडेंट डिमांड करनी स्टार्ट करने लगी एंड उसके बाद से ये इस लेवल का इम्प्रूवमेंट देखने को ऑलमोस्ट जगह मिला है और इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानते हैं ठीक है डैश रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट अप्लाइड टू बिजनेस बट ऑब्वियसली बिजनेस के एथिक्स को हम बिजनेस के मॉरल प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट फिर कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं ठीक है कॉम्पिटिशन इज़ बेनिफिशियल टू दम्पि कम्पीटिंग फर्म्स बिसाइड बेनिफिटिंग द कंज़्यूमर्स देखो कॉम्पिटिशन अगर अच्छा होगा तो अच्छे गुड्स मिलेंगे अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे तो कॉम्पिटिशन जो फर्म्स हैं उनको बेनिफिट करता है इनोवेशन स्ट्रेटजी मार्केट गेनिंग के थ्रू uh, और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी बेनिफिट करता है इनडायरेक्टली ठीक है नेक्स्ट आ, ये मेन कंसर्निंग अबाउट बिजनेस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स मिशन ऑब्जेक्टिव टारगेट बिजनेस गोल या ऑब्जेक्टिव की जब बात करें तो बिजनेस का मिशन क्या है बिजनेस किस ऑब्जेक्टिव से किया जा रहा है और बिजनेस का टारगेट क्या है ये तीनों चीज़ें मेन कंसेप्ट हैं बिजनेस के गोल के बारे में डिस्कस करते वक्त ठीक है ऑप्शन इज द राइट आंसर गोल्स रियलाइजेशन कंटिन्यूसली विल लीड टू मिशन फुलफिलमेंट क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली ये रियलाइज करके बिजनेस कर रहे हैं कि आपका एक्चुअल गोल क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपका जो मिशन है वो फुलफिल होगा अब चाहे मिशन कुछ भी हो कस्टमर्स को अक्वायर करना मोनोपली गेन करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना बट आपका मिशन फुलफ़िल होगा इसलिए मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है ए मिशन फुलफिलमेंट डैश इज़ द प्राइमरी मोटिव फॉर अ बिज़नेस एंटरप्राइज बिजनेस एंटरप्राइज के लिए प्राइमरी मोटिव क्या होता है बट ऑब्वियसली प्रॉफिट रेपिटेटिव क्वेश्चन है बट आपको कॉन्सेप्ट में फिर से समझा दूँ अगर यहाँ पे दिया होता क्रिएटिंग अ कस्टमर तो आप उस ऑप्शन को क्लिक करते क्योंकि कस्टमर बनाने से ही तो प्रॉफिट मिलेगा तो टॉप पे क्रिएटिंग अ कस्टमर ऑप्शन होगा लेकिन अगर वो कस्ट क्रिएटिंग अ कस्टमर ऑप्शन में नहीं दिया है तो प्रॉफिट मेकिंग विल बी दी राइट आंसर ठीक है ओके एक रिपिटेटिव क्वेश्चन है डैश इज द बिजनेस थ्रू विच न्यू आइडियाज इनोवेशन ये भी रेपिटेटिव क्वेश्चन है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट नेक्स्ट पे जाएंगे आई एक्सपेक्टिंग कि इतने एक्सपेक्टिंग कितने होंगे इस सेट में सेट नंबर नाइन देन सेट नंबर नाइन में हमारे पास है वट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वामेंट का नेचर देखो एग्रेशन इट इज़ रिलेटिव इट इज़ अनसर्टेन ऑल ऑफ़ दीज तो अगर ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज लिखा होता तो, तो भी ऑप्शन डी ही होता और तीनों लिखा ही है तो तो भी ऑप्शन डी ही आंसर है ठीक है एग्रेशन क्यों क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी वेरी हार्श एंड एग्रेसिव ऑन दी बिजनेस मान लो को नेचुरल क्लामिटी आ गई तो इट इज़ ऑलवेज हार्श ठीक है अनसर्टेन यू के नॉट प्रिडिक्ट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस को कैसे कब और कहाँ और कितना हार्म करेंगे या फिर कितना प्रॉफिटेबल बनाएंगे और रिलेटिव है क्यों क्योंकि हर बिजनेस इन्वायरमेंट एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है ठीक है वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट का जो सिग्निफिकेंस है वो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि जब धीरे धीरे ये डिसाइड हुआ कि अब इंटरनेट का एरा आ रहा है ठीक है लोग कीपैड से एक स्मार्टफोन पे शिफ्ट होना चाहेंगे लोग लैपटॉप का एक पोर्टेबल अफोर्डेबल छोटा वर्जन चाहेंगे तो जिस जिस इंसान ने अभी जिस भी मैन्युफैक्चरर ने ये चीज़ नोटिस करी उसको एक फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज मिला ठीक है दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपको मैं बताऊँ जैसे कार्स का एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो जब कार बन रही थी तो टाटा मोटर ने जो एडवांटेज लिया ठीक है टाटा मोटर्स ने सुजुकी ने उन्होंने ये एडवांटेज लिया कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास है बट दे आल्सो वांट टू हैव अ कार जो अफोर्डेबल हो डिज़ाइन भी उसकी अच्छी हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी जेहबे ढीली ना हो तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज था बिजनेस इन्वामेंट को समझ के उसको एनालाइज़ करके कोई चीज़ या कोई इनोवेशन इंट्रोड्यूस करना आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है ठीक है द नेक्स्ट जैसे इसका एग्जाम्पल बिस्लेरी भी है ठीक है बिस्लेरी हैज़ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको ये था कि भाई जब कोई कहीं जाता है या नहीं जाता तो ऑलमोस्ट लोगों की आदत भूल जाने की होती है तो अगर पानी की बॉटल अवेलेबल होगी तो कुछ लोग भूल जाने की वजह से खरीदेंगे और कुछ लोग पोर्टेबिलिटी या फिर सूटेबिलिटी की वजह से खरीदना शुरू करेंगे तो बिस्लरी को फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस मिले हाइएस्ट रेट्स हैं बिस्लरी के मार्केट में बट देन टू उसका जो ब्रांड नेम है उसकी जो सप्लाई चेन है वो बहुत अच्छी है ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर दी एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस एन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं अब इसमें लिखा तो हुआ है स्टीपल फैक्टर बट बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स में माइक्रो इन्वायमेंट मैक्रो इन्वायमेंट दोनों होगा तो ऑप्शन आर क्वाइट इनकम्प्लीट ठीक है बोथ ए एंड बी आर देयर द नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो इन्वामेंट इज़ ऑल्सो नोन एज मैक्रो इन्वामेंट को हम इनडायरेक्ट इन्वायमेंट भी बोलते हैं क्यों क्योंकि ये सोशल पॉलिटिकल और लीगल इन्वायमेंट होते हैं जिनका जिन पे बिजनेस का कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता नेचुरल कैलामिटी आ जाए कोई कंट्रोल नहीं सरकार बदल जाए कोई कंट्रोल नहीं सोसाइटी में कब किस बात पे दंगा खड़ा हो जाए कोई कंट्रोल नहीं ठीक है तो ये मैक्रो इन्वायमेंट होता है और मैक्रो इन्वायरमेंट इनडायरेक्ट इन्वायमेंट होता है ठीक है इनडायरेक्टली क्योंकि सबसे पहले आपको जो चीज़ अफेक्ट करेगी वो आपको अफेक्ट करेगी फाइनेंस ठीक है तो वो डायरेक्ट इन्वायमेंट हो गया इकोनॉमिक इन्वायमेंट लेकिन जो आपको इनडायरेक्टली जो चीज़ अफेक्ट करेगी वो होगी सोसाइटी ठीक है हाँ ठीक है आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं वो महंगा है या सस्ता है आपके प्रोडक्ट के लिए भाई कोई ना कोई कस्टमर तो होगा ही होगा किसी ना किसी मार्केट सेगमेंट पे तो सोसाइटी इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी सोशल वेलफेयर आप नहीं करोगे तो कुछ टाइम बाद आपकी गुडविल अफेक्ट करेगी लेकिन ये सब इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं लेकिन फाइनेंस वगैरह डायरेक्ट फैक्टर्स हैं जो आपकी बिज़नेस को स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक का बूम पीरियड डिस पीरियड हर पीरियड में अफेक्ट करेंगे ठीक है तो याद रखो माइक्रो इन्वायमेंट इन डायरेक्ट इन्वायमेंट होता है और माइक्रो बिजनेस इन्वायमेंट डायरेक्ट इन्वायमेंट होता है ठीक है देन माइक्रो इन्वायमेंट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल अगर यहाँ पे आपको सोशल दिया होता तो सोशल भी आपके ऑप्शन में सही होता ठीक है सप्लायर कस्टमर्स और पब्लिक जैसे माइक्रो में आ जाएंगे ठीक है देन नेक्स्ट माइक्रो इन्वायमेंट कंसिस्ट ऑफ पब्लिक मिडल मैन कंज्यूमर्स कंपटीटर्स ये सब क्या है माइक्रो इन्वामेंट है ठीक है देन इकोनॉमिक इन्वामेंट अभी माइक्रो ही है बट ऑप्शन में अलग से दिया है तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन डी हुआ ठीक है डैश रिफर्स टू ऑल फोर्सेस विच हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या करेंगे इकोनॉमिक इन्वायमेंट ठीक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट करने वाला सिर्फ इकोनॉमिक इन्वायमेंट के ही फैक्टर्स हो सकते हैं ठीक है डैश डिसाइड्स ऑन अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन ये आपके कोर्स में नहीं है मूविंग ऑन टू फर्स्ट एम इंडिया में कब आई थी 1921 में पहली एम इंडिया में 1921 में आई थी आई थिंक ये क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ ठीक है ये भी रिपीटेड है हाँ पॉटर एस मॉडल रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवामेंट बिजनेस इन्वामेंट और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है पॉटर एस मॉडल उसको रिप्रेजेंट करता है ठीक है डैश इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव अबियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस जब इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की गई तो इकोनॉमिक इन्वामेंट रिपिटेटिव क्वेश्चन था ओफो मैंने नोटिस क्यों नहीं किया चलो ठीक है आई डोंट सी पी डी एफ फोर ओके कैपिटलिज्म स्ट्रेस द फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म बिलीविंग इन प्राइवेट ओनरशिप कम्स अंडर लीगल प्लानिंग क्यों क्योंकि कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी होती है वो लीगली इंडिविजुअलिज्म या फिर मोनापली या फिर प्राइवेट ओनरशिप को प्लान करती है ठीक है देन नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ईयर सोशलिज्म द टूल्स प्रोडक्शन आर नॉट मैनेज बाय गवर्नमेंट ये हमारा है नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी में गवर्नमेंट ने हमारे डिसाइड किया था कि जो टूल्स का प्रोडक्शन है लाइक आयरन स्टील इंडस्ट्री वगैरह वगैरह ये गवर्नमेंट मैनेज नहीं करेगी क्योंकि टाटा स्टील इंडस्ट्री उस वक्त तक इतना अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो चुके जम चुकी थी कि उसने ये प्रूव कर दिया था कि उसकी मैनेजमेंट उसकी एफिशिएंसी सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बेटर है तो गवर्नमेंट ने बाकी इंपॉर्टेंट सेक्टर पर फोकस करना सही समझा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन कैपिटलिज्म डैश लूज अज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स व्हाट लूज टेक्नोलॉजिकल लॉसेस अज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स देखो इसका मतलब जो मुझे वैसे तो एग्जैक्ट वर्बली uh, सही नहीं है स्टेटमेंट बट फिर भी इसका मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि कैपिटलिज्म में टेक्नोलॉजिकल लॉसेस होते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है ठीक है इंडिविजुअलिज़्म होता है इस तरीके से सेट होती है डिक्टेटरशिप होता है तो वहाँ पर इनोवेशन और कंपटीशन इतना ऑलरेडी कम होता है कि इंसान इनोवेट करना नई चीज़ें अडॉप्ट करना बहुत कम प्रिफर करता है ठीक है तो इस वजह से ये कस्टम जो कस्टमर्स होते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी के उनको हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल लॉसेस सफ़र करने पड़ सकें ठीक है इन कम्यूनिज़्म द स्टेट डिटरमाइंस वन वंस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयमेंट अब ये किस कम कम्यूनिज़्म में होता है एम्प्लॉयमेंट सोशलिज्म में इम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट आईडेंट गेट दिस क्वेश्चन सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट क्योंकि जो समझ नहीं आया उसको कुछ भी नहीं समझाना चाहिए ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन द डास सोशलिज्म सीम्स टू फॉलो बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म हम इंक्रीज सोशलिज्म जैसे मान लो कि कैपिटलिज्म है कम्युनिज्म है कम्युनिज्म में कम्युनिटी वाइज रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस फॉलो होती हैं कैपिटलिज्म में क्या होता है कि इंडिविजुअलिज्म मोनापली वगैरह फॉलो होती है अब इनके बीच में जो होता है वो इंक्रीज द सोशलिज्म होता है ठीक है इन सोशलिज्म में क्या होता है कि अपनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए सारा कंट्रोल रूल रेगुलेशन सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है ठीक है तो जब वो सोशलिज्म बढ़ता चला जाएगा तो बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट वहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी और धीरे 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 करके वो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में आ जाएगी इस स्टेज पे पहुंच जाएगा तो पब्लिक वेलफेयर तो छोड़ो धीरे धीरे वो धुंधला हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो जो सोशलिज्म वाली इकोनॉमी है वो धीरे धीरे कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है तो सोशलिज्म बढ़ना भी सही नहीं है देन हैज़ द पर कैपिटा इनकम इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम नाइनटीन एटी टू थाउजेंड नाइन बट ओबियसली ठीक ठाक है बहुत बड़ी नहीं बहुत घटी नहीं 2009 तक की बात की गई है अभी की सिचुएशन अलग है पर 2009 तक में ठीक ठाक थी ठीक है देन पॉपुलेशन इज अ कॉम्पोनेंट इसको आप नहीं uh, नहीं नहीं दिस क्वेश्चन इज रिलेटेबल पॉपुलेशन इज़ अ कम्पोनेंट ऑफ द टोटल डैश इन्वायरमेंट इट इज़ अ कम्पोनेंट ऑफ टोटल इकोनॉमिक इन्वायमेंट बट आई थिंक इट इज़ अ कम्पोनेंट ऑफ टोटल नेचुरल या फर सोशल इन्वायमेंट चलो ठीक है डू गूगल दिस क्वेश्चन है ना डू गूगल दिस बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट ओके विच प्लान गिवस प्रायोरिटी फॉर ये आप में नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स ठीक है ये रिपीटेड क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक रेट और इंडस्ट्रिय को स्पीड अप करना था तो ये नाइनटीन फिफ्टी फाइव आई डेंट गॉट दी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो कुछ और ऑप्शन कुछ और हैं चलो ठीक है वन ऑफ द ऑबजेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज टू एसिलोरेट द रेट ऑफ ग्रोथ स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रू और फॉल्स बट ऑबली इट इस ट्रू ट्रू फॉल्स के फॉर्म में देखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स कांड से नन ऑफ दी अबब तो इसमें से यह ट्रू ऑप्शन होगा ठीक है इग्नोर दीज ऑप्शन ऊपर वाले ऑप्शन रिपीट हो गए हैं है ना ट्रू फॉल्स के फॉर्म में था ये क्वेश्चन चलो ठीक है एम आर टी पी एक्ट वॉज सेटअप इन ईयर नाइनटीन फिफ्टी में एम आर टी पी एक्ट को सेटअप किया गया था ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर जो भी रेगुलेशंस लगाए गए थे उसके रेफरेंस में ये एक्ट था ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द लिबरलाइजेशन ऑफ़ द रूल्स रिलेटिंग टू एफ डी आई विच मीन्स फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिटिंग डैश परसेंट इक्विटी इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज फिफ्टी वन परसेंट इक्वटी जो फॉरेन के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको फिफ्टी वन परसेंट इक्विटी से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं दे सकते हैं ठीक है ऐसी मतलब वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे फिफ़्टी वन परसेंट दे सकते हैं क्योंकि फिफ्टी वन परसेंट देने से एक तरीके से बेसिकली वो एक तरीके से हेड ओनर वही हो गए एक तरीके से मतलब फर्स्ट ओनर वही हो गए वो फॉरनर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ठीक है तो सिर्फ ऐसी कुछ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज ही हैं जहाँ पर ये चीज़ अलाउड है ठीक है कि फिफ्टी वन परसेंट शेयर्स आप दे सकें ठीक देन इन इक्विटी के शेयर्स ठीक है इन सम सर्कल्स अ मल्टी नेशनल कॉपरेशन ये रिपीटिव क्वेश्चन है ओके मूविंग टू नेक्स्ट सेट नेक्स्ट सेट हमारा सेट नंबर टेन है इसमें रिपीटेटिव ना हो भैया तब भी पहला ही रिपीटेटिव है ले चलो ठीक है ये भी रिपीटेटिव है उफो. हाँ जी एंड पी स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट द नेक्स्ट इज इट इज सेल ठीक है इट इज़ नॉट ओ ओ नहीं लिखते हैं बट इसमें लिखा है तो मैं क्या ही बताऊँ किसने लिख दिया है सेल होता है वो सेल इज़ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उसका नाम है जो हम लोग लिखते हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है बट इट इज़ सेल एस ए आई एल ठीक है पता नहीं किसने ओ लिख दिया है ऑफ फुल फॉर्म्स में ओ नहीं लिखा जाता ऑफ के लिए ठीक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ओ पी बनाने वाले तो ने क्या किया है चलो ठीक है एन डी पी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है हु गेव अ प्रैक्टिकल शेप टू प्राइवेटाइजेशन अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है बट क्वेश्चन अच्छा है तो रिपीट है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर से पढ़ लो मार्ग्रेट थैचर ठीक है देन नेक्स्ट द टेक्निक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट एंड डैस कंसेशन एक सेकेंड प्राइवेटाइजेशन की टेक्निक्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट है लीज है और कंसेशन है हाँ बट ऑबली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कराना हूँ यह भी प्राइवेटाइजेशन कराने की एक टेक्निक है ठीक है कंसेशन दे के कराओ ये भी एक टेक्निक है लीज बेस पे रेंटिंग बेस पे कराना हो ये भी एक टेक्निक है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की ठीक है देन नेक्स्ट देयर आर डैश सिल्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन सेवन सिंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन सात पाप है प्राइवेटाइजेशन के मुझे भी बताओ भैया कौन से पाप हैं <laughs> देखो आई एम कम्प्लीटली अनअवेयर की प्राइवेटाइजेशन के भी कोई पाप होते हैं तुम तो लोग भी गूगल करना बड़ा इंटरेस्टिंग है मैं भी इसके बाद गूगल करूँगी प्राइवेटाइजन के पाप भी होते हैं चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द इनकम लेवल ऑफ रेजिडेंट्स इन अ कंट्री इज़ इंडिकेटेड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक देखो बात की गई है इनकम की और बात की गई है कंट्री के रेजिडेंट्स की के जो लोग कंट्री में रह रहे हैं उनकी इनकम लेवल तो बट ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम कंट्री की इनकम होती है लेकिन इसमें बात की गई कंपनी के रेसिडेंट्स की इसलिए पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन नेक्स्ट डैश इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द इनवायमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स रिपिटेटिव क्वेश्चन है बट अच्छा है दिस इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द एनवायरमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स विच हैव इम्पैक्ट ऑन और हैव इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पेस्ट पेस्ट इज एन इन इकोनमिच स्टैंड फॉर पेस्ट इज एन इकनिम विच इज स्टैंडिंग फॉर पॉलिटिकल इन्वामेंट सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजी ठीक है इन पाँच सॉरी इन चारों ही एक्सटर्नल बिजनेस इन्वामेंट को सिंपली अगर हमें डिनोट करना हो तो हम पेस्ट इकोनिम से करते हैं या फिर पेस्ट फुल फॉर्म से करते हैं ठीक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं चारों ही और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है द नेक्स्ट द यूरोपियन यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक यूनियन जो यूरोपियन यूनियन बना था वो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बना था ठीक है द नेक्स्ट हमारे पास है द लीगल सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन हिंदू लॉ इट इज़ बेस्ड ऑन हिंदू लॉ ठीक है ओके द नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी इज नेसेसरली अ डैश प्लान्ड ऑर्गनाइज एंड कंट्रोल्ड बाई वॉट देखो मिक्सड इकॉनॉमी प्लान्ड सिर्फ कंट्रोल्ड हो ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका नाम ही मिक्सड है सिर्फ प्लान्ड हो ऐसा भी नहीं होता क्योंकि उसका नाम मिक्सड है ठीक है सिर्फ ऑर्गेनाइज हो ये भी पॉसिबल नहीं है वो तीनों होती है ऑल ऑफ द अबब मिक्सड इकॉनॉमी इज ऑलवेज प्लान्ड ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल्ड इन विच बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट एंड वर्क टुगेदर इन कलेबोरेशन ठीक है दी ऑरिजिन ऑफ कॉमन लॉ इज़ इन कॉमन लॉ का ओरिजिन कहाँ हुआ था अमेरिका में ठीक है दैन नेक्स्ट है द फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रॉफिटबिलिटी एंड प्रोफिट ग्रोथ बाई रीपिंग द कास्ट रिडक्शन दैट कम फ्राम इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ओके कास्ट रिडक्शन करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल से जो हम प्रॉफिटबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं इस फोकस को हम क्या बोलते हैं ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रैटी ठीक है हम कॉस्ट कॉस्ट रिडक्शन करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अटेन करके प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने पर जब फोकस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी अब जैसे मान लेते हैं अमेरिका में जो लेबर का रेट है वो इंडिया वियतनाम मलेशिया वगैरह मलेशिया वगैरह के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है बट अगर कोई एमएनसी अमेरिकन एमएनसी यहाँ पे अपना सेटअप लगाए और उसे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी होस्ट कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ही कम पड़े तो मतलब क्या उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई कॉस्ट रिड्यूस हुई लेकिन बेचते तो वो सेम प्राइस पे रही है प्रॉफिट इंक्रीज हो गए इकोनॉमी ऑफ स्केल लटेन हुई तो इस फोकस को हम क्या बोलेंगे या इस स्ट्राटी को हम क्या बोलेंगे ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटी ठीक है द टोटल अक्यूमिलेटेड वैल्यू ऑफ़ फॉरन ओन्ड असेट्स एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ फॉरेन ओन असड जितने भी हमारे पास हैं ठीक है मतलब जो फॉरेन के असट हमने खरीदे हुए हैं किसी भी गिवन टाइम पीरियड पे उसकी टोटल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं स्टॉक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ का स्टॉक ठीक है द टेकिंग ओवर ऑफ अ प्राइवेट फार्म बाई द होस्ट कंट्री गवर्नमेंट टू बी रन इट एज अ गवर्नमेंट यूनिट इज किसी भी प्राइवेट फर्म को गवर्नमेंट अगर टेक ओवर कर ले यह कह के कि अब वो गवर्नमेंट यूनिट है और उसे गवर्नमेंट चलाएगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं नेशनलाइजेशन क्यों क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट यूनिट को गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दे तो उसे हम डी नेशनलाइजेशन बोलते हैं लेकिन उसका ऑपोजिट होगा तो वो क्या होगा उसका जस्ट ऑपोजिट नेशनलाइजेशन ठीक है नेक्स्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट पार्लियामेंट के पहले यूनियन बजट को लेकर कौन आता है बिफोर इन द सेंस उनके सामने बट ऑबियसली फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आते हैं यूनियन बजट को देन द गुड्स एंड द सर्विस प्रोड्यूस्ड प्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई द गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट जो गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करे प्राइस करे उसका डिसाइड और उसको डिस्ट्रीब्यूट करे वो कमांड इकोनॉमी होती है ठीक है अब जैसे आई थिंक हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट है तो बट गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है वो सिर्फ डिफेंस को ओन करती है रेलवेज को ओन करती है न्यूक्लियर पावर एंड समथिंग लाइक दैट बाकी वो किसी प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है ठीक है बट अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्शन गुड सर्विस के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही कर रही है तो वो कमांड इकोनमी होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स इट ओके दैट्स इज फुल वीडियो एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यूनिट थ्री फोर के नोट्स के साथ में वीडियोज़ आपको लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग प्रोवाइड करा सकूँ

जैसे मैं वीडियोस बनाती थी मैं वैसे ही बनाती रहूँगी एंड रेगुलर भी रहूँगी क्योंकि अब बिजनेस काफ़ी ऑन द ट्रैक चल रहा है एंड एवरी इज ऑल वेल नाउ वी हैव एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट फोर टू फाइव पीपल सो इट्स ऑल गोइंग वेल तो मुझे उतना काम अब नहीं करना पड़ रहा है तो दैट्स आई विल बी कंसिस्टेंट ठीक है बाकी मेरे कुछ एग्जाम्स हैं आई गिव दैट एंड देन आई विल बी कम्प्लीटली कंसिस्टेंट सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब